एक एक करके आतंक का पर्याय बन चुके उन माफियाओं का अंत हो रहा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने आतंक से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। यूपी की बांदा जेल आजीवन सजा काट रही मुख्तार अंसारी की गुरुवार 28 मार्च 2024 अचानक मौत हो गई। मुख्तार की मौत पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक एक करके आतंक का पर्याय बन चुके उन माफियाओं का अंत हो रहा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने आतंक से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। एक समय था जब इनकी तूती बोलती थी, लेकिन एक समय ये भी है जब इन्हें मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। जी हाँ, बात माफिया आतंकी आतंक का पर्याय कहा जाने वाले बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की कर रही हूं। यूपी की बांदा जेल आजीवन सजा काट रहे मुख्तार अंसारी की गुरुवार 28 मार्च 2024 अचानक मौत हो गई। जेल प्रशासन ने बताया कि हार्ट अटैक के बाद मुख्तार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन मुख्तार की मौत पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने दावा किया है कि खाने में धीमे धीमे जहर दिए की वजह से उनके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तो क्या माफिया जहर खुरानी का शिकार हो गया है? उमर अंसारी ने कहा है कि मुझे जेल प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं बताया गया, मीडिया से ही मुझे ये सब पता चला है, लेकिन अब पूरा देश जानता है। 2 दिन पहले मैं अपने पिता से मिलने गया था, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। हमने पहले भी जहर दिए जाने की बात कही थी और आज भी यही कहेंगे। 19 मार्च को उन्हें रात के खाने में जहर दिया गया था। हालांकि मौत के बाद बांदा में मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम कर दिया। इस दौरान पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है, लेकिन मुख्तार के परिवार ने यहाँ पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराए जाने की अपील की है। इस स्पेशल स्टोरी पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर ये माफिया कैसे बना और कैसे इतने सालों में अपनी तूती इसने जमाई और फिर राजनीति में आया, और राजनीति के बाद अब सुपुर्दे खाक होने जा रहा है। आप जानेंगे आखिर धीमे धीमे जहर दिए जाने का क्या मतलब होता है, इससे क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये कितने तरह का होता है, सेवन करने से कितने समय बाद इंसान की मौत हो जाती है। जहर एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसे खाने या सूंघने से कोई भी इंसान बीमार हो जाता है या मर भी सकता है। ये जहर किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे दवाई, केमिकल या कोई जंगली पौधा। जहर गलती से भी मुंह में जा सकता है या किसी के मंशा से भी। जहर का असर तुरंत भी हो सकता है या फिर धीरे धीरे भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे हम आम भाषा में स्लो पॉइजन कहते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि खाने की हर चीज जहरीली हो सकती है अगर उसका सही तरीके और सही मात्रा में सेवन नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि पानी जैसी आम चीज भी कुछ हालातों में जहर की तरह काम कर सकती है। किसी भी चीज के शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता को टॉक्सिसिटी कहते हैं। शरीर में ये कैसे जाता है? जहर शब्द दरअसल लैटिन भाषा के पोचारे शब्द से आया है, इसका मतलब है पीना। ज्यादातर जहर मुंह से निगलने के कारण शरीर में जाता है। हालांकि शहर शरीर में दूसरे तरीकों से भी अंदर जा सकता है, जैसे अगर हवा में जहर घुला है तो सांस लेने से, त्वचा के जरिए, नसों में सीधे इंजेक्शन के जरिए, रेडिएशन के संपर्क में आने से, और सांप या किसी कीड़े के काटने से जहर शरीर में जा सकता है। कितने तरह के होते हैं जहर? जहर कई रूपों में हो सकते हैं। एक केमिकल के रूप में हो सकता है, ये किसी खाने या छूने की चीज में मिला हुआ हो सकता है, जैसे साइनाइड, पेंट पतला करने वाले पदार्थ या घर की सफाई करने के लिए इस्तेमाल होने वाले उत्पाद। हालांकि जहर कई बार ऐसी चीज भी हो सकती है जिन्हें हम आमतौर पर खाते या इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाने की चीजें और दवाइयां। इसके अलावा खेती या कारखानों में केमिकल वाला दूषित पानी पीना भी जहर बन सकता है। अगर खाना बनाने या रखने में सावधानी ना बरती जाए तो भी जहर का काम हो सकता है। अगर दवाइयों को सही मात्रा में सेवन किया जाता है तो फायदेमंद होती है। वही दवाइयां ज्यादा मात्रा में लेने पर जानलेवा भी हो सकती हैं। कौन सा जहर कैसे असर करता है? थेलियम एक ऐसा जहर है जो धीमी गति से काम करता है। इंसानी शरीर पर इसका असर धीरे धीरे होता है। थेलियम रंगहीन, गंधहीन और बेस्वाद होता है। थेलियम कई चीजों में पाया जाता है, जैसा चूहे मारने वाली दवाई, कुछ प्रकार के कांच के लेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स।
इसके लक्षण तुरंत सामने नहीं आते, जहर शरीर में धीरे धीरे फैलता है और कई दिनों या हफ्तों बाद लक्षण दिखाई देते हैं। अगर थेलियम किसी चीज पर लगा हो और आप उसे छू लें तो त्वचा के जरिए शहर में जा सकता है। स्वास्थ्य लोगों में खून या पेशाब में थेलियम की मात्रा सामान्यतः 1 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से कम होती है, लेकिन जहर खाने से बचने वाले लोगों में ये मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच हो सकती है। ऐसा एक दूसरा जहर है आर्सेनिक, ये भी इंसानी शरीर में धीमी गति से असर करता है। इस जहर के मरीज में पेट से जुड़ी समस्याएं ज्यादा होती हैं। कितने समय बाद होता है जहर का असर? जहर का असर कुछ लोगों पर तुरंत दिखाई देता है तो कुछ लोगों पर जहर का असर घंटों, दिनों या महीनों बाद भी हो सकता है। जहर के लक्षण देर से दिखाई देने वाली विषाक्तता के मामले क्या होते हैं? खासतौर पर खतरनाक होते हैं क्योंकि ऐसे में मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने में आमतौर पर देरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर टैलोन को एक सुरक्षित दवा माना जाता है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा लीवर को खराब कर सकती है। एसिटामिनोफेन धीरे धीरे असर करती है, इसके लक्षण दिखाई देने में 7 से 12 घंटे लग सकते हैं। देर से असर करने वाले जहरों का सबसे अच्छा उदाहरण सीसा है। 1970 से पहले ज्यादातर पेंट में शीशा मिलाया जाता था, छोटे बच्चे पेंट के टुकड़े खा लेते थे और कई महीनों बाद उनकी तंत्रिका तंत्र में परेशानी आ जाती थी। अब कैसे पता करें जहर कैसे खाया है? जहर के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कभी जहर शरीर में जाने के बाद आंखों की पुतली फैल जाती है तो कभी सिकुड़ जाती है। कुछ जहरों से बहुत ज्यादा लार आने लगती है तो कुछ जहर मुंह और त्वचा को सूखा कर देते हैं। कुछ जहर दिल की गति बढ़ा देता है तो कुछ धीमी कर देता है। जहर खाने के बाद कभी कोई मरीज जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है तो कभी धीमी सांस लेता है। कुछ जहरों से दर्द होता है तो कुछ से बिल्कुल दर्द नहीं होता। कुछ जहरों से शरीर में बहुत ज्यादा हरकतें होने लगती है तो कुछ जहर सुस्ती ला देता है। इसके साथ दिमागी जो भ्रम है वो भी आम हो जाता है। अगर एक से ज्यादा लोगों में एक जैसी लक्षण दिखाई दें और किसी एक ही चीज के संपर्क में आए, जैसे दूषित पानी, खाना, जगह का वातावरण, तो ऐसे में जहर की आशंका ज्यादा रहती है। तो जहर कितने प्रकार के होते हैं और क्यों इस पर हम बात कर रहे हैं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि जेल के अंदर बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया जा रहा था, स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जहर खुरानी का वो शिकार हुआ है। 6 फीट 2 इंच की हाइट वाले मुख्तार अंसारी का कद किसी से छिपा तो नहीं है। पूर्वांचल का बाहुबली माफिया डॉन कहलाने वाला मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुका है। देश के 3 राज्यों में 65 मुकदमे उस पर दर्ज है। 8 मामलों में सजा हो चुकी है। 19 साल से जेल की हवा काट रहा था, फिर भी यूपी में माफियागिरी का जो मॉडल है वो मुख्तार के नाम से ही जाना जाता है, चाहे जेल में बंद हो या बाहर। हमेशा माफियागिरी मुख्तार अंसारी की ही चली है। यूपी या यूपी से बाहर जिस भी जेल में मुख्तार होता था वहीं उसका क्राइम हेडक्वार्टर बन जाता था। मुख्तार के माफिया से विधायक और फिर जेल में अंत होने तक का सफर कैसा रहा, चलिए नजर डालते हैं। पूर्वांचल में बाहुबलियों में मुख्तार अंसारी का नाम सबसे बड़ा है। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून साल 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उसके पिता सुभानुल्लाह अंसारी वामपंथी विचारधारा के नेता थे। साफ सुथरी छवि की वजह से मुख्तार अंसारी के पिता 1971 में हुए नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल कर दी थी, जबकि मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की नाना भी जाने मानी हस्ती थी। नौशेरा का शेर नाम से मशहूर उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी 3 जुलाई साल 1948 को पाकिस्तान के साथ हुई जंग में शहीद हो गए थे। बाद में उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। एक समय मुख्तार अंसारी का गढ़ यूपी का पूर्वांचल माना जाता था। उसके खिलाफ गुनाहों की लंबी फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर कुल 65 मामले दर्ज हैं, जिसके कारण वो तकरीबन 19 साल जेल में बंद रहा। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करते हुए उसकी 192 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त जब्त कर लिया। पुलिस ने अब तक उसके गैंग से 95 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 65 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी ने 2 बार बसपा 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पूर्वांचल के मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़ और वाराणसी समेत अन्य जिलों में मुख्तार का दबदबा रहा। वर्तमान में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर गाजीपुर से ताल ठोक रहे हैं। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक है, जबकि भतीजा सोएब अंसारी भी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक है।
1985 में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा से चुनाव जीते थे। मुख्तार अंसारी इस दौरान स्कूल में था। गाजीपुर इंटर कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही मुख्तार अंसारी ने साधु सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया। उस समय पूर्वांचल में सरकार का राज कम माफिया राज ज्यादा चल रहा था। साधु सिंह के गैंग में रहने के दौरान मुख्तार अंसारी की माफिया ब्रजेश सिंह से अदावत हो गई। कॉलेज के दिनों की ये दुश्मनी कुछ ही सालों में खूंखार गैंगवार में तब्दील हो गई। मऊ सदर सीट पर कभी नहीं हारा मुख्तार अंसारी। जी हाँ, 1996 में मऊ से मुख्तार अंसारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद लगातार 5 बार मऊ सदर सीट से ही चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। राजनीति में आने के बाद मुख्तार अंसारी ने पार्टियां बदली, लेकिन चुनाव के नतीजे नहीं बदले। मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी ही जीतता रहा। मुख्तार की आय का जरिया विधायक निधि फंड से ज्यादा गुंडा टैक्स, रंगदारी टैक्स और ठेका टैक्स जैसे कई अन्य आय के जरिए थे। कुछ ही सालों में जियाराम की दुनिया में मुख्तार एक बड़ा नाम हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गलत तरीके से या गरीबों को परेशान करके या अपराध करके आपने संपत्ति अर्जित की है तो एक ना एक दिन उसे खाक होना ही पड़ता है। और आज वो दिन है जब मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, भले ही आपके पूर्वजों ने जितने भी अच्छे कर्म किए हों, जरूरी नहीं है कि आने वाली पीढ़ी उसी ढर्रे पर चलेगी। और मुख्तार अंसारी एक जीता जागता उदाहरण है। और कहा जा सकता है कि अब अंत मुख्तार अंसारी का हो चुका है। गाजीपुर में ढोल नगाड़े बजे थे, मऊ में भी, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति के बाद मुख्तार अंसारी लाइमलाइट में आया था उसके परिवार में खुशी का माहौल है। कमेंट करके जरूर बताएं, क्या मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है या वाकई वो जहर खुराने का शिकार हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे। धन्यवाद।